क्या भारत की राफेल फाइटर जेट की डर सी चीन ने अपने कब्जे वाले सिंगल सी एयरबेस पर एडवांस J-20 फाइटर जेट की तैनाती की है? हाल ही में भारतीय वायुसेना के पूर्व प्रमुख एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया ने खुलासा किया था कि जब भारत में पहला राफेल आया था, चीन ने जवाब में अपने 4 J-20 फाइटर जेट तैनात किए थे। वही जब भारत के पास 4 राफेल फाइटर जेट थे तो चीन ने 20 J-20 फाइटर जेट तैनात किए थे, यानी कि प्रत्येक राफेल का मुकाबला करने के लिए बीजिंग ने 5 J-20 फाइटर जेट की तैनाती की थी। फिलहाल चीन ने होतान और सिंगासी एयरबेस पर J-20 स्टील्थ फाइटर जेट की तैनाती की है। 19 मई को एक खास बातचीत में भारतीय वायुसेना की पूर्व एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया ने राफेल लड़ाकू विमान की रणनीतिक महत्व पर जोर देते हुए उन्हें भारतीय वायुसेना का इन्वेंट्री का सबसे मजबूत हथियार बताया था। उन्होंने कहा था कि कैसे जब भारत में पहला राफेल आया था तो चीन ने प्रतिक्रिया में अपने 4 J-20 लड़ाकू विमानों को LAC पर तैनात किया था। वही जैसे ही राफेल की संख्या 4 हो गई तो चीन की 20 J-20 तैनात कर दिए थे। प्रत्येक राफेल का मुकाबला करने के लिए 5 J-20 तैनात किए थे। पूर्व भारतीय वायुसेना प्रमुख ने भारतीय वायुसेना के उच्च स्तर की तैयारियों का संकेत देते हुए टिप्पणी की थी कि J-20 को चीन का सबसे उन्नत लड़ाकू विमान माना जाता है। यह राफेल की क्षमताओं का सीधा जवाब था। चीनी जानते थे कि हम क्या कर सकते हैं। वही पूर्व भारतीय वायुसेना प्रमुख ने खुलासा किया कि 9 दिन बाद ही चीन ने 27 मई 2024 को 12,400 फीट पर सिंगासे एयरबेस पर 6 J-20 लड़ाकू विमानों की तैनाती कर दी थी। सिंगासे एयरबेस पश्चिम बंगाल की हसीमारा से 290 किलोमीटर से भी कम दूरी पर स्थित हैं, जहां पर भारत की एक स्क्वाड्रन 16 राफेल तैनात किए गए हैं।